बराबर है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड तो क्या आवाज आ रही मॉर्निंग है? ठीक सर। यस सर, आ रही। है, परफेक्ट। आज फिर से मैं ही लेक्चर लूंगा। 3 दिन लगातार हो गया, बोर तो नहीं होगा तुम लोग? ठीक नहीं सर। नहीं है, चलो फिर ठीक है। सर। थोड़ा सचिन सर के थोड़ा इशू है उनके घर पे, कोई तो बीमार है जिसकी वजह से आज नहीं ले पाए। वो नेक्स्ट वीक लेंगे, मगर ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ ठीक है, हम 2 मिनट रुकते हैं, अभी खाली 35 लोग आए हैं। ओके, 2 मिनट बाद शुरू करते लेक्चर। ठीक है, यस ओके, लेट अस स्टार्ट विद अवर लेक्चर। आई गेस वी हैव टू डिस्कस द प्रोग्राम्स, राइट? दैट टेबल वाला प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन टेबल। एंड बिसाइड्स दैट देयर वाज वन मोर प्रोग्राम। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आई हैव गिवन यू टू प्रोग्राम एज एन असाइनमेंट, राइट? इफ यू आर रिमेंबर, वेट, लेट मी ओपन दैट प्रोग्राम। आई गेस हियर इट शुड बी। ओके, वी वर सपोज टू डिस्कस दिस मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, एंड एट द सेम टाइम वी वर सपोज टू डू अ प्रोग्राम इन विच वी आर सपोज टू रीड द रेंज इनिशियल एंड लिमिट, एंड बेस्ड ऑन द रेंज वी आर सपोज टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, नियॉन नंबर, एक्सेट्रा। ओके,
And if this part is completed, then we can start with the functions as well as we can discuss some programs related to character. Okay. Character data type. So anyone ready with the solution for this multiplication table wala program? Anyone want to discuss this? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. Okay, so if anyone would like to discuss this program, it is very easy. It is based on multiplication table itself, the same program. We are just supposed to do a small modification in that program. That's it. So please open that program. I have shared you the PDF file of the notes. In that notes, the program is there. So please open that program and see to that what modification we are supposed to do in that. I will also open the notes over here. Wait. For my multiplication. सर्च क्यों नहीं करता टेबल चार्ज फोर्ट चलाने चार्ज फोर्ट वो तो चली अरे भाई माइक बंद कर रे
सर आपका माइक बंद है। आवाज अभी क्लियर है? हाँ सर। यस ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना मेरा ईयरफोन खराब हो गया, सॉरी। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि हमें इस प्रोग्राम में एक चेंजेस ये करना है कि लिमिट रीड करना है यूजर से। ओके, और यूजर जो भी लिमिट डालेगा, जैसे अगर यूजर ने 8 डाला तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम 5 1 5 5 2 10 5 3 15 टिल ऐसे बाकी का टेबल आकर के 5 8 40 तक ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम क्या चेंजेस करेंगे ताकि इस पर्टिकुलर जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मीट हो सके, तो बताओ। सर वहाँ पे आई के जो 10 है वहाँ पे 8 डाल सकते हैं, मगर हमें यूजर से लिमिट लेना है। एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा एल जो हमारा लिमिट होगा। ठीक है, तो क्या हमें ये वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी पड़ेगी? हाँ सर। ठीक है, कहाँ पर रीड करेंगे, एन के बाद या एन के पहले? एन के बाद। एन के बाद, लूप के बाद या लूप के पहले? लूप से पहले। लूप से पहले, यस। सो सी आउट एंटर द लिमिट फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो सी इन एल क्लियर। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एल, साथ में हमने उसको रीड भी कर दिया, तो हमारा डिक्लेरेशन और रीडिंग वाला पार्ट हो गया। अब लूप में क्या चेंज होगा? सर आई 10 के बदले एल आएगा। परफेक्ट, आई लेस देन इक्वल टू 10 के बदले एल आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी लिमिट हमने यूजर से लिया है, जहां तक लिमिट यूजर ने डाला है वहां तक ये चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ लूप के अंदर चेंजेस आएगा क्या स्टेटमेंट में? यहां पर हाँ, लूप के अंदर स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस आने वाला है क्या इसके अंदर? नो सर। नहीं ना, ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले सेव कर देते हैं, फाइल सेव, एग्जीक्यूट के लिए ऑल्ट F9 शॉर्टकट, और कंपाइलेशन के लिए एंटर ए नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो नंबर डाला 5, एंटर द लिमिट फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल 8, आ गया 5 5 5 10 5 8 40। अब ये प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोई और नंबर ट्राई करते हैं, 12 till 12। ठीक है, सो आ गया 12 1 12 12 12 144। क्लियर, तो ये प्रोग्राम समझा? सर प्रोग्राम दिखाओ, प्रोग्राम दिखाओ, ये देखो प्रोग्राम। आई विल रिपीट द प्रोग्राम फॉर यू। वी वर सपोज टू रीड अ नंबर एज वेल एज द लिमिट। ओके, एंड बेस्ड ऑन द नंबर एंड द लिमिट वी आर सपोज टू डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन टेबल। Okay, for example, if the number is 5 and the limit is 4, then we are supposed to display the table of 5 till only 4 times. Okay, so 5 was a 20. Itna hi table dikhana hai. Agar user ne number dala hai 5 aur limit dala hai 4. Ye example ke liye liya hai humne. User kuch bhi number dal sakta hai, uski marzi. Theek hai? Phir humne program start kiya, hash include iostream.h, hash include gonio.h, void main, basic syntax sab wahi hai, clear screen, braces open hone ke baad, phir humne ek extra variable declare kiya l, jo hamara limit hai, theek hai, i hamara loop ke liye variable hai, aur n hamara number hai jiska table chahiye, theek hai, phir humne cout statement print kiya, enter a number for multiplication table, to usko read kiya, n ke andar store kiya, theek hai, नेक्स्ट पार्ट हमने लिमिट रीड किया, एंटर द लिमिट फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसको हमने स्टोर किया एल में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे हमने सी इन करके एल में स्टोर किया। ठीक है, फिर फाइनली हमने लूप स्टार्ट की, क्योंकि टेबल 1 से स्टार्ट होता है इसलिए हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। फॉर आई इक्वल्स टू 1,
आई लेस देन इक्वल टू एल एल क्यू, क्योंकि एल हमारा लिमिट है. ओके दिस इज अवर लिमिट. ओके फिर यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया ताकि अब हमें नेक्स्ट वैल्यू मिले आई का. फिर अकॉर्डिंगली हमने लूप के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, सी आउट एन इंटू आई इक्वल्स टू एन इंटू आई. और एंडल इसीलिए यूज किया ताकि न्यू लाइन के ऊपर हर एक स्टेटमेंट आए. ओके फिर हमने फाइनली ब्रेसेस क्लोज कर दिया और गेट सी एच, प्रोग्राम खत्म. बोलो समझा सर, किसी को कुछ डाउट है प्रोग्राम में? नोटिस किया गर्ल्स रिप्लाई नहीं करती, ऐसा क्यों है? गर्ल्स लेक्चर ही नहीं बैठती क्या? ऐसा कुछ है क्या? ना गर्ल्स से कुछ आंसर आता है, ना कुछ यस नो आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? एलर्जी है क्या आंसर देने में? रिप्लाई दिया करो, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. वैसे मैंने देखा कुछ लोग छोड़ के चले गए जैसे मैंने रिप्लाई मांगा. ठीक है ओके फाइन. तो ये प्रोग्राम हो गया राइट, इसको सेव करते और नेक्स्ट प्रोग्राम के उधर जंप करते. नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या था? रेंज वाला प्रोग्राम था राइट. ओके जिसमें हमें रेंज रीड करना था, रेंज के बीच में कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, कितने नियॉन नंबर है, कितना अलग अलग टाइप का नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, वो सब प्रिंट करना था. तो हम पहले प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम करेंगे, एक सिंपल वाला, ताकि समझ लेंगे कि कैसे चीजें वर्क करती है. फिर उसको हम लोग आगे लेवल पे लेके जाके आर्मस्ट्रांग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नियॉन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे और भी चीजें इम्प्लीमेंट करें. ठीक है तो स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. हो गया है. We will close this file. Close किधर है? Close इधर है. ठीक. So we will open the file of our prime वाला program. ठीक है? क्योंकि हम prime program को ही थोड़ा advanced level पे लेके जाएं. Right? So where is the prime program? And prime class. ठीक है? इसको हम save as कर लेते हैं. Alt F. Save as inside our FYGC folder. Now this will be our prime range, prime R, RNG. This particular program is prime number program, but we are supposed to display the prime number for the given range. ओके किसी का माइक तो ऑन हो गया, प्लीज अनम्यूट कर दो, सॉरी म्यूट कर दो. एक बार चेक कर लो अपना अपना माइक सब लोग. ठीक है थैंक यू. ओके सो वी आर सपोज टू राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू चेक, नॉट टू चेक, वी आर नॉट गोइंग टू चेक, वी आर सपोज टू डिस्प्ले डिस्प्ले प्राइम नंबर्स prime numbers in given range. Okay, for example, let us consider example. For example, if initial or we can say start, if start is suppose 5 and end is suppose 15, okay, then the prime numbers between 5 and 15 prime numbers between 5 and 15 are including 5 and 15. कौन कौन सा बताओ? 5, फिर 7, 7, फिर 11, 13. Okay. Suppose अगर user ने start में डाला है 5 और end में डाला है 15, so including the start and end, we are supposed to display the prime numbers available between the given range, that is between the start and end value. समझा? So at the end of the program, based upon this particular example, okay, user कुछ भी value डाल सकता है, 5 के जगह पर 1 डालेगा, 100 डालेगा, जो डालने के डालेगा, उसकी मर्जी है, और end भी accordingly डालेगा वो. उस हिसाब से जो भी आंसर है वो आना चाहिए.
समझा, क्वेश्चन क्लियर है? यस ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके इसमें से कौन सा पार्ट हमें निकालना है, कौन सा पार्ट देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। पहले वेरिएबल के पास जाते हैं, हमें कितना नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा? दो नए वेरिएबल्स रेंज के लिए दो नए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एक होगा स्टार्ट, दूसरा होगा एंड। ठीक है, हम एस और ई भी लिख सकते हैं, मगर इस बार थोड़ा सा ओके कि कुछ है स्टार्ट और एंड दो हमारा वेरिएबल है, तो ऐसा भी हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि सिंगल मल्टीपल कैरेक्टर हो सकते। स्टार्ट होना चाहिए अल्फाबेट से, स्टार्ट होना चाहिए परफेक्ट। दूसरा रूल, नंबर्स नहीं आने चाहिए स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं आना चाहिए। तीसरा रूल, स्पेशल कैरेक्टर ओनली अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, हां सर। चौथा रूल याद नहीं है सर। चौथा रूल, हम लोग कीवर्ड को वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, काफी सारे लोगों ने चैट में आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच। ओके सही आंसर है काफी लोगों का। सो कैरेक्टर, जैसे कैर करके वेरिएबल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि कैर वर्ड रिजर्व्ड है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग वॉइड करके वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि वॉइड वर्ड रिजर्व्ड है, तो ऐसे रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। ये चौथा रूल, ओके क्लियर। चलो हाँ सर। सो हमारे चार रूल्स हो गए, वेरी गुड, आप लोगों को याद है, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमने दो वेरिएबल बना लिया स्टार्ट एंड एंड, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है, प्रोग्राम का स्टेप क्या है? पहले स्टेप बताओ, प्रोग्राम के चार स्टेप क्या होते हैं? प्रोग्राम में कौन सा स्टेप फॉलो होता है? किसी स्टार्ट डिक्लेरेशन एक सेकंड रुको, हाँ किसी को रूल या किसी को स्टेप्स याद है क्या किसी भी प्रोग्राम के लिए? वहां से जाके चालू करो, एनीवन? अरे मेरी स्टार्ट डिक्लेयर इनिशियलाइज एंड, हाँ तो चार किसी ने चैट में आंसर दिया है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल पहला स्टेप होता है, इनिशियलाइजेशन नहीं बोल सकते डिक्लेरेशन बोल सकते, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन बोलो या रीडिंग बोलो। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है हमारा रीडिंग ऑफ द वेरिएबल, जैसे देखो हमने वेरिएबल रीड किया इनका वैल्यू है ना, जिसका प्राइम नंबर चेक करना था, मगर अभी इस केस में क्या हमें एन का वैल्यू रीड करना है? नो सर, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में नो सर, नहीं ना, तो हमें ये एन का वेरिएबल की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस एन वेरिएबल। व्हाट वी आर सपोज टू रीड इन दिस प्रोग्राम? रेंज, रेंज, परफेक्ट। सो वी आर सपोज टू रीड द स्टार्ट एंड एंड, सो आई कैन रीड इट डायरेक्टली बोथ द वेरिएबल्स इज अलाउड इन द स्टेटमेंट। आई कैन राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस that please enter or enter a range to find prime numbers between 10. Okay, clear hai statement? Samjha statement mein kuch confusion hai? Okay, so hame range enter karna hai to find prime numbers between them. Okay? Clear hai?
यस सर। तो हमने साथ में स्टार्ट हो रहा है एंड रीड कर लिया। अब लूप, ये जो पर्टिकुलर लूप है ये प्राइम नंबर चेक करने के लिए लूप है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिजिट काउंट कर रहे हैं कितना डिवाइजर्स है, और डिवाइजर्स काउंट करने के बेसिस के ऊपर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करके कि वो पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं। आई होप ये आप लोगों को लॉजिक याद होगा, नहीं है तो एक फटाफट गो थ्रू कर लेते। फर्स्ट लाइन देखो जो मैंने हाईलाइट किया उसमें, फर्स्ट लाइन देखो, फॉर आई इक्वल्स टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, हम एन को आई से डिवाइड करेंगे टिल एन, देखेंगे कि कितना डिवाइजर्स है, डिवाइड करके हम लोग उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। रिमाइंडर चेक करने के लिए हमने मॉडुलस यूज किया है, ओके मॉडुलस से हमें रिमाइंडर मिलता है, फाइन। अगर रिमाइंडर जीरो है मतलब वो पर्टिकुलर नंबर उस पर्टिकुलर आई वेरिएबल से डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर उसका डिवाइजर है। तो डिवाइजर को काउंट करने के लिए हमने डी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, इंट डी इक्वल्स टू जीरो, फाइन। फिर ये पूरा लूप एग्जीक्यूट करेगा, और लूप एग्जीक्यूट होने के बाद हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर प्रिंट कर रहे हैं, और फिर ये प्रिंट है। ये प्राइम नंबर का रूल क्या बोलता है? प्राइम नंबर का रूल ये बोलता है कि वो पर्टिकुलर नंबर, ओके सो यहां पर इस केस में जब डी की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू टू हो जाएगी तो क्लियर, ये लॉजिक क्लियर है आप लोगों को सबको? हम इसमें से ये वाले पार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें टोटल नंबर और डिवाइजर प्रिंट नहीं करना है प्रोग्राम में, तो ये पार्ट निकाल देते हैं, ठीक है, बाकी लॉजिक वाला पार्ट रहेगा हमारा। ये जो पूरा लॉजिक है यहां से लेकर यहां तक, इसको तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें प्राइम नंबर तो चाहिए ही, क्योंकि हर एक नंबर को चेक करेंगे ना प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पूरे लॉजिक को हमें एक और लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि ये लॉजिक हमें बार बार रिपीट करना है, ओके। सो वी विल स्टार्ट वन मोर लूप फॉर, अब ये जो लूप स्टार्ट होगा, ये जो लूप स्टार्ट होगा उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, इनिशियलाइजेशन क्या रहेगा, बताओ। इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन क्या रहेगा, बताओ। सर ये और एक लूप किसके लिए? और एक लूप इसलिए क्योंकि हमें हर नंबर को स्टार्ट से लेकर एंड तक हर नंबर को इस पर्टिकुलर लूप में पास करना है, इस पर्टिकुलर लॉजिक में पास करना है, तभी तो पता चलेगा ना प्राइम है कि नहीं। सर तो वन से लेके एन तक नंबर तो एक लूप में पास हो ही रहे ना, एन तो है ही नहीं ना अभी, ये एन तो है ही नहीं, एन एन किधर रीड किया हमें, ये देखो एन तो है ही नहीं, ये लो सारा एन निकाल देता हूं मैं, देयर इज नो एन नाउ, ये देखो ऊपर एन है, एन नहीं है। तो इस पर्टिकुलर लूप के लिए ये जो ब्लैंक हो चुका है सर, तो फिर एक काम करो ना, जो स्टार्ट है उसको वन को हटा के स्टार्ट डाल दो और लेस इज इक्वल टू में एंड लिमिट डाल दो। तो उस केस में मॉडुलस किसको करेगा ये, इफ आई नहीं, नहीं। हाँ सर समझा, समझा ना, ये पूरा कोड हमारा एक और लूप के अंदर आएगा, ओके। ये मेरा लूप का स्टार्ट है और ये मेरा लूप यहां पर एंड होगा, यहां पर ये जो लूप है ना, ये दिख रहा है, ये वाला लूप, ये स्टार्ट यहां पर होगा और एंड होगा यहां पर, आउटर लूप, ठीक है। और ये आउटर लूप के अंदर ये पूरा लॉजिक आएगा मेरा प्राइम नंबर, ओके समझ रहे हो। तो अब मेरे आउटर लूप में मैं क्या स्टेटमेंट लिखूं ताकि हर लूप के लिए ये चीज एग्जीक्यूट हो, हर नंबर के लिए ये पर्टिकुलर जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हो, वो जरा सोचो।
आप लोगों को रिक्वायरमेंट समझ रही है कि बाउंसर जा रहा है? सर बाउंसर जा रहा है। ठीक है, रुको रुको मैं समझाता हूँ। हम एक काम करते हम जाते हैं बाहर, ठीक है, बाहर इन द सेंस एक्सेल में, घर के बाहर नहीं जाते। सर क्या बोलता हो मालूम है? एक काम करता हूँ, मैं कैमरा चालू करता हूँ, आपको पेपर पे समझाता हूँ। रुको रुको रुको, दो मिनट मुझे जरा टाइम दो, ठीक है, मैं एक पेपर ले लेता हूँ और मैं आप लोगों को पेपर पे समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से। तुम भी ना ज्यादा ओवर स्मार्ट बन जाती, समझ में नहीं आता है। तो देखने का तो सही कि क्या कितने लोग हैं।
सबको पेपर विजिबल है? एवरीवन? यस। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। एक सेकंड रुको, मैं स्पॉटलाइट बना देता हूँ। स्टॉप शेयरिंग। अब सही, ठीक है, आप सबको दिख रहा है? यस सर। ओके चलो, तो हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट पहले समझते हैं, फिर हम ये प्रोग्राम करेंगे। वी आर सपोज टू प्रिंट प्राइम नंबर्स इन गिवन रेंज। ये हमारे रिक्वायरमेंट है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा स्टार्ट इक्वल्स टू 5 है एंड इक्वल्स टू 15 है, देन द प्राइम नंबर्स आर 5, 7, 11, and 13. दीज आर द 4 प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 and 15. ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ये चीज अचीव करना। ओके, अब ये अचीव करने के लिए हमें ये पता है कि प्राइम नंबर, ये पर्टिकुलर नंबर प्राइम कैसे है, वो कैसे चेक करना है, वो हमें लॉजिक पता है। ठीक है, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू जो भी तुम्हारा नंबर होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल n एंड i प्लस प्लस, इनसाइड द लूप वी आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ i, सॉरी n मॉडुलस i एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, ओके, देन वी आर इंक्रीमेंटिंग द डिवाइजर। ओके, इफ क्लोज लूप क्लोज, तो ये हमारा लूप यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, ये इफ हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया, राइट। फिर फाइनली जब लूप क्लोज होता है उसके बाद हम एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ डी एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है तो उस केस में सी आउट करेंगे डेट पर्टिकुलर एन इज प्राइम। ओके, इफ क्लोज, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में हम लिखेंगे सी आउट एन इज नॉट। ये हमारा एल्स पार्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो लॉजिक है वो एक सिंगल वेरिएबल एन के लिए, अगर कोई एक सिंगल वेरिएबल एन होगा तो परफेक्टली वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग एन को इजीली यूज कर पाएंगे और आई से डिवाइड करके चेक कर पाएंगे कि कितने डिवाइजर्स हैं, ठीक है, और कंडीशन भी चेक कर पाएंगे सक्सेसफुली और प्रिंट भी कर पाएंगे, ठीक है, कि प्राइम है कि नहीं। तो एक सिंगल वेरिएबल के लिए लॉजिक परफेक्टली वर्क करता है, मगर यहां पर ट्विस्ट ये है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, दैट वी आर सपोज टू रीड द स्टार्ट एंड एंड। ओके, ये दो पार्ट हमें रीड करना है और इसके बेसिस के ऊपर हमें हर नंबर को एन की जगह पर लाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट एंड एंड है तो टोटल कितने नंबर है यहाँ पे बताओ? टोटल नंबर है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। टोटल ये इतने नंबर्स है ना हमारे पास, समझ रहे हो? सर एक नया लूप क्रिएट करके उसमें एन प्लस प्लस कर देंगे तो हो जाएगा और लिमिट डाल देंगे तो? ठीक है, तो एक आइडिया वो है, उसके पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है पहले वो समझो, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर लॉजिक को, ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है ना जिसमें एक सिंगल एन है, अब ये सिंगल एन इतने सारे एन, ओके, तो ये हर एक एन के लिए हमें ये लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है, समझ रहा है? रिक्वायरमेंट समझ रही है? यस सर। ठीक है, इसके लिए हमें एक आउटर लूप बनाना पड़ेगा और वो आउटर लूप का वेरिएबल यहां पर इंटरनल लूप में यूज करना पड़ेगा एज एन एन, और फिर ये लूप एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देगा।
तो जरा सोचो कि हम लोग आउटर लूप क्या बनाएंगे और इंटरनली एन में क्या लिखेंगे। ठीक है, ये आपके सामने प्रोग्राम है, जरा सोचो। सर आउटर लूप में आएगा एन इक्वल्स टू जो पहला वेरिएबल रहेगा वो डाल सकते हैं और उसके बाद लिमिट सेट करने के बाद एन प्लस प्लस कर देने का। ओके तो बताओ फिर क्या लॉजिक लिखेंगे, किसने सोचा? सर बाहर वाले लूप में ये आएगा फॉर एन इज इक्वल टू स्टार्ट एन इज लेस देन इक्वल टू एंड बनेगा फॉर, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हां अब ठीक है। हां फॉर एन इज इक्वल टू स्टार्ट, एन इक्वल टू स्टार्ट, ओके एन इक्वल टू स्टार्ट सेमीकोलन एन इज लेस देन इक्वल टू एंड, n is less than equal to and n plus semicolon plus. n plus plus okay, फिर ये हमारा braces open होगा outer वाला और यहां पर फिर outer वाला braces close होगा, तो ये हमारा braces है। okay समझ रहे सबको, ये एक सोल्यूशन है, फाइनल नहीं हुआ अभी तक, हम एक इनपुट डाल के देखेंगे कि वर्क कर रहा है। ओके समझो, अभी n की वैल्यू स्टार्ट है ना, n इक्वल टू स्टार्ट है तो n का इनिशियल वैल्यू क्या आएगा? 5, क्योंकि हमने रेंज क्या रखा है 5 टू 15, बराबर बराबर ना? हाँ सर। ठीक है, सो n का इनिशियली वैल्यू जब ये लूप स्टार्ट होगा आउटर वाला लूप, तो n का वैल्यू आएगा 5, 5 अंदर जाएगा, 5 अंदर के बेसिस के ऊपर ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उस केस में 5 तुम्हारा प्राइम है तो ऑफ कोर्स ये वाला मैसेज आ जाएगा सी आउट एन इज प्राइम यानी 5 इज प्राइम। ओके तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा फॉर 5। जब ये लूप एग्जीक्यूट हो गया, ये पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद आउटर लूप पे एंड होने के बाद एन का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, एन विल बिकम 6, बराबर है? ठीक है, 6 का फिर कंडीशन चेक होगा, क्योंकि लूप आई होप आप लोगों को याद होगा कि पहले स्टार्ट यानी इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर लूप के अंदर आते हैं, लूप के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, फिर ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल यहां से जाके इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे जाता है यानी ये वाले पार्ट पे। ठीक है, जहां पर हमारा आउटर लूप है, वो आउटर लूप खत्म होने के बाद, ये आउटर लूप जब खत्म हो जाएगा यहां पर आएगा इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे और फिर ये साइकिल वर्क करेगा, अपडेशन सॉरी जो कंडीशन है वो चेक होगा, कंडीशन मीट हुई तो वापस से लूप के अंदर आए। क्लियर है, ये होता है फॉर लूप का एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये सेकंड टाइम हम लोग कर रहे हैं आज, जिसको याद नहीं होगा वो देख लो। सर डी प्लस प्लस से क्या होगा? डी प्लस प्लस से नंबर ऑफ डिवाइजर काउंट होगा, यार डी प्लस प्लस इज फॉर नंबर ऑफ डिवाइजर्स। डी प्लस प्लस इज फॉर नंबर ऑफ डिवाइजर्स। प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है? किसी का माइक और इसका माइक बंद करा है। हाँ ठीक है, सो प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है, मतलब कोई भी प्राइम नंबर कैसे पता चलता है कि प्राइम नंबर है, उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होते हैं? 2। जो लॉजिक हम जो कंडीशन हमने यहाँ पे चेक किया, तो ये कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर होना चाहिए ना? यस सर। तो वो नंबर ऑफ डिवाइजर रीड करने के लिए हम, मतलब कैलकुलेट करने के लिए हमने ये डी प्लस प्लस, समझ गए? ओके सर। ओके
तो अभी खाली बस इतना चेंजेस करना है अपने, यानी इतना पार्ट ऐड करना है प्रोग्राम में, ये वाला लाइन, ये ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज, बाकी ये पूरा लॉजिक अच्छे से वर्क करेगा। बस खाली अभी बहुत सारे प्राइम नंबर आने वाले हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एंडल ऐड करना पड़ेगा, बराबर, ताकि न्यू लाइन पे आए ना सारे प्राइम। और जो प्राइम नहीं है उसके लिए भी एंडल लिख सकते हैं, अगर हमें खाली बस प्राइम दिखाना है तो हमें एल्स पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? अगर हमें ऐसा दिखाना है कि कितने प्राइम है तो एल्स पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ऐसा दिखाना है कि इस पर्टिकुलर रेंज में प्राइम और नॉट प्राइम कितने हैं तो हम एल्स पार्ट इंक्लूड कर सकते, समझे? किसी ने क्वेश्चन पूछा है, खुशी दवे ने, खुशी आई एम वेरी खुश, किसी लड़की ने तो क्वेश्चन पूछा अभी, ओके। डी प्लस प्लस ही क्यों लिखा है, एक बार जरा क्वेश्चन मुझे फिर से पढ़ने दो। इफ स्टेटमेंट में डी इक्वल्स टू टू ही क्यों लिखा है, वेरी गुड। इफ स्टेटमेंट में डी इक्वल्स टू टू इसीलिए लिखा है क्योंकि समझो अगर नंबर फाइव है, ठीक है, ये खुशी के लिए हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, नंबर समझो एन का वैल्यू फाइव है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ खुशी कि फाइव के कितने डिवाइजर्स है, डिवाइजर मतलब समझता है कि कितने नंबर से फाइव कंप्लीटली डिवाइड होकर के जीरो आंसर मिलेगा। टू कौन कौन सा, एक है वन दूसरा है फाइव, बराबर, टोटल कितने हो गए टू, समझ गए? तो जो हमने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है ना, ये डी एग्जैक्टली इक्वल्स टू टू, वो फाइव के लिए वर्क कर रहा है ना, और फाइव प्राइम है, बराबर। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एन इक्वल्स टू सिक्स, अब सिक्स के कौन कौन से डिवाइजर्स है, एक है वन, दूसरा है टू, तीसरा है थ्री और एक सिक्स, टोटल डिवाइजर कितने हो गए फोर, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में डी का वैल्यू होगा टू और इस केस में डी का वैल्यू होगा फोर, तो क्या सिक्स प्राइम है, नहीं है ना? नो सर, नो सर, इसीलिए यहां पर डी एग्जैक्टली इक्वल्स टू टू हमने चेक, क्योंकि ये d exactly equals to 2 बताता है कि ये n prime, और else case में तो चाहे यहाँ पर 4 आए या 6 आए या 100 आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो not prime ही दिखाएगा ना, इसीलिए खाली एक ही logic से हमारा काम हो जाता है, समझ गई खुशी? बाकी सब लोग समझे, जिसको नहीं समझा होगा, yes, sir. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ओके, कंफ्यूज नहीं होने का, ओके फाइन। तो चलो sir. हाँ बोलो सर, ये जो एक बार बताए थे आप लूप कैसे घूमेगा वो बताओ ना फिर, कौन सा आउटर लूप की इनर लूप? सर आप बताए थे ना n इज इक्वल टू स्टार्ट से फिर आ जाएगा फिर वो बताओ फिर, ओके फिर से बताओ, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सी है स्टार्ट के लिए, मतलब स्टार्ट टू एंड तक के रेंज में, 5 6 7 8 टिल 15 इतना वैल्यू है, और हमें हर वैल्यू के लिए ये पर्टिकुलर जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, यस सर, हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें ये जो लॉजिक है, सॉरी, हाँ, हर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन के लिए ये पर्टिकुलर लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है, उसके लिए हमने एक लूप स्टार्ट किया यहाँ पर, ये फॉर वाला, फॉर एन इक्वल्स टू स्टार्ट, क्योंकि एन यूज कर रहे हैं हम अंदर, राइट, फॉर एन इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग वाला वैल्यू डेट इज फाइव, तो यहाँ पर फाइव से स्टार्ट होगा, n इक्वल्स टू फाइव से स्टार्ट होगा, फिर हमने कंडीशन में क्या चेक किया है, n लेस देन इक्वल टू एंड, यानी 15 तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, बराबर, और n प्लस प्लस यानी नेक्स्ट वाले नंबर के लिए वो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि n का वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा, 5 लेस देन इक्वल टू n यानी 15, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अंदर, ये लूप पूरा एग्जीक्यूट करेगा, लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कंडीशन के बेसिस के ऊपर प्रिंट हो जाएगा मैसेज कि वो प्राइम है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद फिर से वैल्यू ऑफ एन इंक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर एन का सिक्स के लिए ये एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू सिक्स है, समझे, उसके बाद सिक्स के लिए प्राइम नहीं है तो एल्स वाला मैसेज आएगा सेकेंड केस में कि सिक्स इज नॉट प्राइम, समझ गए, उसके बाद फिर से ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा फॉर सेवन, एन का वैल्यू सेवन आएगा अंदर, समझ रहा है? यस सर, ठीक है, सिंपल है,
यस ठीक है फोटो नहीं है प्रोग्राम ही शेयर कर दूंगा मैं ठीक है कि फोटो जरूरी है ये भेज देना समझने के अच्छा भेज दूंगा ठीक है चलेगा तो इसका फोटो ऐड कर देंगे ठीक है चलो फिर ये पार्ट को अभी हम लोग प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं लेट मी स्टॉप माय कैमरा फर्स्ट स्पॉटलाइट अभी स्क्रीन शेयर करने दो मुझे परफेक्ट देखो मेरी बैटरी कितनी है ओके फाइन सो अब क्या हो रहा है अब हमें वो लूप ऐड करना था जो हमने लिखा था आउटर वाला याद है ठीक है तो अब हम वो आउटर वाला लूप ऐड करेंगे यहाँ पर सो इट विल बी फॉर एन इक्वल टू स्टार्ट ओके एन लेस देन इक्वल टू एंड स्क्रीन शेयर किया दिख रहा सबको फिर एन प्लस प्लस ओके तो ये हमारा आउटर लूप रेडी हो गया और इनर लूप में एन आएगा जो एन था वही आ जाएगा क्योंकि हमने एन यूज करके ये किया है पूरा सेटिंग तो यहाँ पर हमें एक एन वेरिएबल चाहिए होगा जो हमने निकाल दिया था गलती से कोई बात नहीं हम समझ रहे थे लॉजिक ठीक है सो हमारा एन वेरिएबल आ गया हमने स्टार्ट और एंड रीड किया एन के हेल्प से हमने इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट किया है एग्जीक्यूट करके हम प्राइम है कि नहीं वो प्रिंट कर रहे हैं नंबर ठीक है समझ गया है अब एग्जीक्यूट करें पहले सेव कर लेते हैं ऑल्ट एफ सेव ठीक है ऑल्ट एफ नाइन फॉर कंपाइलेशन देर इज नो एरर एंड कंट्रोल एफ नाइन फॉर एग्जीक्यूशन इट इज आस्किंग फॉर द रेंज सो हमने स्टार्ट में डाल दिया 5 और एंड में डाल दिया 15 तो अब मैंने हैंडल नहीं डाला है रुक जाओ हैंडल पहले डाल देता हूं मैं ताकि थोड़ा क्लियर आउटपुट आए हैंडल ओके सेव अगेन ऑल्ट एफ सेव ठीक है फिर ऑल्ट एफ नाइन फॉर कंपाइलेशन कंट्रोल एफ नाइन फॉर एग्जीक्यूशन 5 एंड देखो नोटिस करो सिर्फ 5 के लिए प्राइम दे रहा है बाकी लोगों के लिए नॉट प्राइम दे रहा है क्यों क्या गड़बड़ हो गई कुछ लॉजिक गड़बड़ हो गया क्या हाँ सर अरे एक मिनट प्रोग्राम भी हाँ प्रोग्राम देखते हैं एन इक्वल्स टू स्टार्ट यानी 6 से 5 से स्टार्ट होगा फिर 15 तक जाएगा एन का वैल्यू इंक्रीज होगा लूप हमेशा इनर लूप में जाएगा तो 1 से स्टार्ट होने वाला है लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस डी भी वैल्यू इंक्रीज होगी डी का वैल्यू टू कंपेयर होगा तो कहां पर गड़बड़ हो रहा है आई डिक्लेयर किया है डी 0 है हाँ कहां पर गड़बड़ हो रहा है चलो बताओ कम ऑन सर डी इक्वल्स टू 2 और डी इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर हुआ है तो डी टू डी को से डिक्लेयर 0 किया है ना आप लोगों को हिंट देता हूं ये प्रोग्राम में मिस्टेक डी के वजह से ही हो रहा है चलो बताओ क्या मिस्टेक हो रहा है मतलब बग बोल सकते हो मिस्टेक नहीं बोल सकते हो एक बग है छोटा सा वो बग रिमूव करना प्रोग्राम सही है हाँ नहीं, नहीं, नहीं। अरे बोलो क्या हो गया उसमें हाँ गुंजन ने आंसर दिया है परफेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा उसने रीड कर लिया उसने ठीक है ठीक है आंसर बता देता हूं डी की वैल्यू जब मेरा लूप एंड हो रहा है ना आउटर जीरो वरना बढ़ता रहेगा जीरो करना पड़ेगा फिर से अगर डी जीरो नहीं करेंगे तो वो डी का फाइनल वैल्यू से ही इंक्रीमेंट करता रहे समझ गए तो इसीलिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि d का वैल्यू फिर से रीअसाइन टू 0 ये समझा रीअसाइन टू 0 क्यों किया हमने देखो स्टार्टिंग में तो हमने 0 असाइन किया बराबर
जिसके वजह से ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हुआ, सब कुछ परफेक्ट गया। मगर जब एक बार वैल्यू प्रिंट हो गई कि वो प्राइम है कि नहीं, तो फिर से डी का वैल्यू 0 रीअसाइन करना पड़ेगा, वरना ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा। समझ गए? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, परफेक्ट, चलो, वेरी गुड। अभी हम करेंगे गुंजन, वेरी गुड। ये लाइन में जो हमारा इमेज है, फोटो है, पेपर, उसमें भी डाल देता हूँ। डी इक्वल्स टू 0, ठीक है, चलो। अब हम करते हैं फिर से सेव, ऑल्ट एफ, सेव, ऑल्ट एफ 9 फॉर कंपाइलेशन, देयर इज नो एरर, कंट्रोल एफ 9, 5 and 15, स्टार्ट एंड एंड आया। अब देखो आया बराबर, 5 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, 7 प्राइम, 8, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है, 13 प्राइम है, 14 और 15 प्राइम नहीं है। हो गया प्रोग्राम? तो हमने प्राइम नंबर्स चेक कर लिए बिटवीन द गिवन रेंज। अगर हमें खाली प्राइम नंबर प्रिंट करना है तो उस केस में हम लोग एल्स पार्ट को इग्नोर कर सकते, ठीक है, ये एल्स पार्ट को कमेंट कर देते, मल्टीपल लाइन कमेंट ऐसे करते हैं, अब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट मी सेव दिस पार्ट एंड कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट दिस। अभी रेंज थोड़ा बड़ा कर देते, 10 से लेकर 100 तक, 100 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, 10 से 50, ठीक है, तो देखो, ओके, अभी इस केस में क्या हो रहा है, खाली जो प्राइम नंबर है वही प्रिंट हो, है ना? बाकी सारा वैल्यूज प्रिंट नहीं हो रहा है। समझ गए? प्रोग्राम क्लियर है सबको? तो ये हो गया नेस्टेड लूप वाला प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने रेंज के अंदर प्राइम नंबर फाइंड आउट किया। तो अगर तुम ये लॉजिक यूज करो, अगर तुम ये सिंपल चीज रखो, तो देखो बीच वाला जो अंदर वाला पार्ट था, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट तुम हर प्रोग्राम का सेम रख सकते हो, चाहे वो आर्मस्ट्रांग नंबर हो या नियॉन नंबर हो या कोई भी नंबर, बराबर, ठीक है। खाली बस तुम्हें क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा एक आउटर लूप ऐड करना पड़ेगा बस, राइट। तो कोई भी प्रोग्राम तुम रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? हाँ सर। तो अभी आप लोग ट्राई करना आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए, नियॉन नंबर के लिए, कि रेंज वाला प्रोग्राम कैसे करें। अब ये प्रोग्राम एक बार गो थ्रू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर करें, ठीक है। ये प्रोग्राम में हमें चाहिए था रेंज के बीच में प्राइम नंबर्स, तो हमने एक स्टार्ट डाला वेरिएबल और एक एंड वेरिएबल, फिर हमने रेंज रीड किया स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, एंटर रेंज टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन देम, उसको रीड किया। रीड करने के बाद हमने आउटर लूप एक स्टार्ट किया फॉर एन इक्वल टू स्टार्ट। किसी का माइक ऑन है यार, प्लीज ऑफ कर दो, अपना अपना माइक चेक कर लो, ठीक है। एन इक्वल टू स्टार्ट, ओके, फिर एन लेस देन इक्वल टू एंड और एन प्लस प्लस, इसके बेसिस के ऊपर, आउटर लूप के बेसिस के ऊपर इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर हम इनर लूप में आ गए, हमने प्राइम नंबर का पूरा लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, फिर हमने एन को डिवाइड किया है, फिर नंबर ऑफ डिवाइसेस को काउंट किया है, फिर काउंट के बेसिस के ऊपर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं मैसेज वेदर इट इज प्राइम और नॉट। हमने यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पर नॉट को ब्लॉक करके रखा है क्योंकि हमें वो एग्जीक्यूट नहीं करना, हमें खाली प्राइम नंबर चाहिए। फिर फाइनली डी का वैल्यू रीअसाइन किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम में बग होगा, ठीक है। देखो दो चीज होता है प्रोग्राम में, एक होता है एरर, एरर क्या होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ठीक है, दूसरा होता है बग, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपाइल हो रहा है कोड, मगर आउटपुट सही नहीं आ रहा, ओके, तो ये हमारा बग था प्रोग्राम के अंदर, ओके, तो हमने ये बग को ठीक कर दिया, डी इक्वल टू 0 को रीअसाइन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, रीअसाइन किया तो फाइनली फिर से ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, फिर से आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर न्यू वैल्यू ऑफ एन, इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और फाइनली तुम्हें हर बार प्राइम नंबर प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर है, समझा ये प्रोग्राम? अब किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। सर ये रीअसाइन वाला समझाओ। रीअसाइन वाला समझाओ, ठीक है, हम ये रीअसाइन वाला पार्ट निकाल देते टेम्पररी बेसिस के, और यहां पर हम
सी आउट डी करते हैं, तो आप लोगों को रीअसाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सी आउट डी हमने किया है विद द हेल्प ऑफ स्लैश एन, चाहे स्लैश एन यूज करो या एंडल यूज करो, इट वर्क्स इन द सेम वे। ठीक है, हम दोनों यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। प्रोग्राम को सेव किया, रेंज मेरा डाल रहा हूं मैं सिंपल वाला 1 to 10। ओके, अब नोटिस करना आउटपुट में। ओके ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, गड़बड़ कर दी हमने। D exactly equals to 2 से प्राइम वाला मैसेज क्यों नहीं आया? D का 0 यहाँ पर एक मैसेज लिख देते ताकि समझ में आएगा कि क्या प्रिंट हो रहा है। डिवाइजर्स, हाँ नहीं मैंने गलत जगह प्रिंट कर दिया, दिस शुड बी साइड द नहीं सर, एंड में लूप के अंदर डी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? पता है, इसीलिए मैं यहां पर लूप के तो बाहर ही है, मुझे वो लगता है सर इनर्ड लूप में है, तो क्यों कर रहा हूं उसका रीजन मुझे रुको। ठीक है, पहले इतना ही करके हम देखते हैं कि क्या आता है। सेव, ऑल्ट एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन, 1, 10। ओके, अब यहाँ पे नोटिस करो, 1 के केस में टोटल डिवाइजर कितना है 1 का, 1 ही है। ठीक है, रुको एक सेकेंड, मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूँ। Divisors for n r, ठीक है, सेव किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट, लेट मी पुट 5 and 15 अगेन जो हमारा वैल्यू था इनिशियली। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, 5 प्राइम है इसीलिए देखो वहां पर उसने डायरेक्टली डिस्प्ले कर दिया, और 5 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स उसने डिस्प्ले किए 6, सेकेंड लाइन पे नोटिस करो, सॉरी 5 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2 उसने डिस्प्ले किया, बराबर। ओके, इसके नीचे वाला लाइन नोटिस करो, डिवाइजर फॉर 6 आर 6, क्या 6 के 6 डिवाइजर्स है क्या? नो, तुम अगर 6 का डिवाइजर्स काउंट करोगे कितना डिवाइजर्स होता है 6 का? 4 है ना, 4 ही होता है ना, तो 6 कहां से आ गया? 4 होते हैं, 4, हां तो ये 6 कहां से आ गया? ये 6 आया 6 का 4 और 5 का 2, समझ गए? ओके, सेम गलती सेवन के केस में हो रही है, सेम गलती सेवन के केस में हो रही है, सेवन के केस में आपको अंदर डी इक्वल टू 0 ऊपर लिखना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। कौन है, कौन गाना गा रहा है? ठीक है, ताकि जब ये डिवाइजर का काम हो जाए, ठीक है, कंपैरिजन, तो फिर से डिवाइजर की वैल्यू 0 असाइन हो जाए, ताकि परफेक्टली इनर लूप वापस सही तरीके से एग्जीक्यूट करे, समझ गए? तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी जो हमने यहाँ पर ऐड की थी। हम एक काम करते हैं, ये कोड को ही निकाल देते हैं, एल्स वाले पार्ट को जरूरत नहीं है, अननेसेसरी उधर पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम लोग फिर से ये कोड एग्जीक्यूट करते हैं विथ डी इक्वल टू 0 असाइन करके, और देखते हैं कि हर बार डिवाइजर कितना प्रिंट हो रहा है। ओके, सो एफ टू और ऑल्ट एफ करके सेव किया हमने, ऑल्ट एफ नाइन और कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन 5 and 15, तब नोटिस करो, ठीक है, अब देखो 5 इज अ प्राइम क्योंकि 5 के डिवाइजर 2 है, डिवाइजर फॉर 6 इज 4, तो 6 प्राइम नहीं है, इसलिए देखो प्राइम वाला मैसेज नहीं आया ना 6 के लिए, राइट? 7 इज अ प्राइम क्योंकि 7 के डिवाइजर 2 है, 8 का डिवाइजर कितना है 4, 9 का डिवाइजर कितना है 3, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, तो देखो 9 और 8 के लिए मैसेज नहीं आया प्राइम वाला,
समझ गए, इसीलिए हमने डी का वैल्यू जीरो फिर से रीअसाइन किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसके वजह से इनिशियली परफेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था मगर अब एग्जीक्यूट हो रहा है। गया, क्लियरिटी आ गई है, हम ये वाला लाइन भी रिमूव कर देते हैं। तो अभी ये पूरा प्रोग्राम हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है और ये हमें रेंज में प्राइम नंबर दे रहा है। ओके, अब और किसी को कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? नो सर। नहीं, ठीक है, तो फिर हम बैकअप करें। तो आप लोगों का असाइनमेंट ये होगा कि आप लोग ये सेम लॉजिक यूज करके दूसरा और भी प्रोग्राम ट्राई करोगे। अभी टाइम अप हो चुका है वरना फिर हम लोग और भी प्रोग्राम करते कैरेक्टर वाला, मगर टाइम हो गया ना कि बाकी है? हो गया, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब आप लोग जरा ये कोशिश करोगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर वगैरह सब नियॉन नंबर कैसे कर सकते रेंज में, वाला प्रोग्राम ट्राई करना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा कैरेक्टर रिलेटेड भी प्रोग्राम करेंगे, अपर केस लोअर केस नंबर डिस्प्ले करना, स्काई वैल्यू वगैरह उसका, ठीक है? ओके, ये लेक्चर का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो देख लेना। नोट्स में एक ही साथ बनाऊंगा जब ये पूरा थोड़ा सा हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं नोट्स बना करके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एक प्रोग्राम में ही ऐड करके दे दूंगा। नोट्स ऐसा तो कुछ बनाना नहीं, नोट्स तो पहले से दे दिया है, खाली प्रोग्राम का पूरा एक पीडीएफ फाइल बना करके भेज दूंगा आपको, ठीक है? जितने भी प्रोग्राम हमने अभी तक किए। ओके, यस सर, ठीक, चलो, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय सर।